जय हिंद साथियों, जॉब तक स्टडी में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। साथियों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का। साथियों, जिन बच्चों को मैथ से बहुत डर लगता है, उसको लगता है कि हम कर ही नहीं सकते, मैथ हमारे लिए बना ही नहीं है, आज उनके लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। और जो बच्चा वाकई वो पढ़ना चाहता है और वाकई वो बोर्ड में अच्छा स्कोर करना चाहता है, अच्छा मार्क्स लाना चाहता है, और जो अपने पढ़ाई को लेकर के सीरियस है, वही बच्चा यहाँ पे इस क्लास में रुके, अन्यथा आप जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले 2 मिनट पहले रुको, आप देखिए कि क्या वाकई जो सभी जगह पढ़ाया जाता है उससे कुछ अलग पढ़ पा रहे हैं, कुछ अलग मिल रहा है यहाँ। अगर नहीं तो आप वीडियो को बंद करके चले जाइएगा। लेकिन वाकई आपको लगता है कि हाँ यार, ये अन्य से अलग है और याद भी नहीं करना पड़ रहा है, ये तो मैथ। देखिए, पहली बात हम आपको बता दें कि मैथ याद किया नहीं जाता, बच्चा फॉर्मूला रटने में परेशान रहता है और वो करेगा कैसे। सबसे बड़ी बात है वो जब फॉर्मूला ही याद करने में तबाह है, 20-20, 50-50 फॉर्मूला बता दी जाती है, अब बच्चा को जब क्वेश्चन आएगा तो वो समझ ही नहीं आएगा उसको कि फॉर्मूला लगाए तो लगाए कौन, बहुत सारी फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला लगाए, बच्चा इसमें कंफ्यूज जाता है। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखिए कि आपको कैसे क्वेश्चन को यहाँ पे लगाना है। 2 मिनट रुकिए, आप देखिए, अगर सच में आपको लगता है कि वाकई ये क्लास अन्य क्लास से अलग है तो आप जो है पूरी वीडियो को, पूरे क्लास को देखना और लाइक करके हमें बताना कि क्या वाकई क्लास अच्छी लगी। तो देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं समय को बिना गवाए। देखिए ध्यान से, तो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। एक बात ध्यान समझिए कि ट्रिग्नोमेट्री जो होता है, देखिए पहले तो त्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति नाम है इसका। तो पहले इसका अगर हम लोग डिफाइन करें तो त्रि का मतलब ही होता है तीन, क्या होता है तीन, और कोण का मतलब होता है एंगल या कोण, है ना, और मिति मतलब ज्यामिति, है ना, जो संरचना होती है। तो आपको पता है कि त्रिकोणमिति जो है वो तीन कोणों की संरचना या ज्यामिति पर काम करता है और इसी पे ये चलता है। तो हम लोग पहले बना देते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, आप नाम देते होंगे ना जब ट्रायंगल बनाते होंगे त्रिभुज, तो आप नाम देते होंगे उसका कुछ ना कुछ, जैसे क्या ए बी सी एक्स वाई जेड, ऐसा कुछ नाम देते हैं ना, बिल्कुल देते होंगे। आज से ट्रिग्नोमेट्री जब आप बनाएंगे और जब त्रिभुज बनाएंगे तो उसका नाम आप ऐसे दीजिएगा। नाम देना तो आसान है, नाम तो दे सकते हैं, तो आप नाम दीजिएगा इसका, यहाँ पे एस डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत है क्या नाम देने में, नाम तो आप अपने से दे सकते हैं, है ना। यहाँ पे एस दे दीजिए, यहाँ पे सी दे दीजिए, यहाँ पे टी दे दीजिए। आप सोचेंगे सर ऐसा क्यों, यस सी टी ही क्यों? हम कहेंगे इसलिए कि आपको फॉर्मूला न रटना पड़े, दिस इज अ मैथ, ये मैथ है, रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, समझने वाला सब्जेक्ट है, मैंने पहले ही बोला, आप ध्यान से देखिए। अच्छा सर, यस सी टी नाम दे देंगे तो इससे क्या हो जाएगा, तो इससे ये हो जाएगा कि आप यहां देखिए कि चूंकि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण होता है, तो साइन थीटा, तो यस इसीलिए लिखवा है कि यस फॉर साइन, और जो ये साइन है आपको इतना तो पता होगा ना कि ये जो है वो कर्ण कहलाता है और ये जो है ये लंब कहलाता है और ये जो है ये आधार कहलाता है, ठीक है, ये कर्ण, लंब और आधार। हालांकि जो आधार की विशेषता है कि एंगल जहां बना होता है वही आधार होता है, तो पहले उसकी चर्चा तो हम लोग ज्यामिति जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसको समझेंगे, लेकिन आप यहाँ पे समझिए कि ये कर्ण और ये आधार, ये लंब है, तो सर यस फॉर साइन थीटा, और साइन किससे किससे टच है, अरे भाई यही ना साइन है, तो साइन देखिए ना यहाँ पे लंब से और कर्ण से सटा हुआ है, तो इसका मतलब कि साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण। बताओ रटना पड़ा क्या, नहीं ना, बस मैथ रटना नहीं है। आगे देखो, रुको रुको सबर करो, अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी तो पूरी हिस्ट्री कहानी इसकी बाकी है, ध्यान सुनना। कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण, सी फॉर कॉस थीटा, और सी यानी कॉस किससे सटा है, आधार और कर्ण से, बोलो बोलो बोलो, आधार
बटे का, बताओ। अब देखो टी फॉर टेन थीटा, टी फॉर टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार, नहीं याद है, टेंजेंट खत्म, टी लंब आधार, बात खत्म, याद करना ही नहीं है। देखो लंब बटे आधार, शॉर्ट फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हैं, लंब को एल, कर्ण को के, आधार को ए, कर्ण को के, लंब को एल, आधार को ए। अब ये भी सुनो सुनो सुनो, रुको, देखिए अगर सीबीएसई वाला बच्चा होगा तो उसके लिए बता दे भाई, लंब को परपेंडिकुलर पी अपॉन कर्ण को हाइपोटेनस बोला जाता है, ठीक है, आधार को बेस बी अपॉन ये कर्ण को हाइपोटेनस, और लंब को एल मतलब परपेंडिकुलर अपॉन आधार को बोलते हैं बेस, ये सीबीएसई के लिए है ना भाई, सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे अंग्रेज होते हैं ना तो उनके लिए, ठीक है। अब आप सुनिए सुनिए सुनिए, अब आप जानते होंगे कि अच्छा आपके दिमाग में ये भी बात आ सकता है ना कि एक बात बताइए कि साइन जो है वो इससे सटा है तो लंब और कर्ण से सटा है, ठीक है, पहली बात, तो हम लंब बटे कर्ण लिखने के बजाय हम कर्ण बटे लंब लिख दिए तो याद कैसे रहेगा, तो हम बताते हैं। देखिए जो बच्चा छोटा होता है उसको गोद में उठा लिया जाता है, ऊपर उठा लिया जाता है, उठाया जाता है कि नहीं, अब बताओ, इतना तो जानकारी होगा ही कि किसी भी त्रिभुज का कर्ण सबसे बड़ा होता है, तो भाई कर्ण बड़ा है लंब छोटा है तो गोदी में कौन उठेगा, लंब, या इसीलिए लंब को ऊपर उठा लिया, कौन उठाया, कर्ण, बस छोटा वाले को ऊपर, बड़ा वाले को नीचे। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे कर्ण और आधार में आधार छोटा है तो आधार ऊपर कर्ण नीचे, सिंपल। अच्छा इसमें क्या होगा भाई, लंब आधार में क्या, तो देखो ना यहाँ पे, यहाँ तो सिंपल है भाई, आधार नीचे, नीचे वाले बेस को आधार बोलते हैं और ऊपर जो है खड़ा रहता है वो लंब, तो ऊपर ऊपर लंब तो लंब, नीचे आधार को आधार, याद करना है क्या, एक बार ये कॉन्सेप्ट अगर माइंड में बैठ गया ना जिंदगी भर नहीं भूलने वाला है, याद रखना, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब अच्छा इसके बाद भी आपको फॉर्मूला होता है, अभी उसके बारे में चर्चा करेंगे, वो याद नहीं करना है कि अब साइन का उल्टा कौसे कौसे, फिर याद करेंगे कर्ण बटे लंब, फिर सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, रुको जरा देखो ध्यान से, देखिए अब एक बात समझाते हैं, पहले ध्यान से समझिए, समझ लीजिए कॉन्सेप्ट को, क्वेश्चन तो यूं लगेगा, यूं लगेगा आपको चुटकी में क्वेश्चन लगने वाला है, और ध्यान रहे कि बस जब कॉन्सेप्ट को समझे रहेंगे तभी लगेगा, देखिए ध्यान से। अब एक बात आपको बता दें हम कि उल्टा का पहले मतलब समझ लीजिए कि मैथ में उल्टा को हम लोग कैसे लिखते हैं, है ना, देखिए जैसे जैसे हम कहें कि राम श्याम का उल्टा है, ठीक है, कहने का मतलब अगर, अच्छा आप ऐसे समझिए कि अगर हम ये कह दें कि कोई काम करना है, सपोज कोई काम करना है आपको, तो जब काम करना है कोई, तो अगर व्यक्ति दो व्यक्ति को कोई काम 10 दिन में वो कर रहा है, अगर व्यक्ति संख्या बढ़ा दी जाए 5 व्यक्ति ला दिया जाए तो क्या काम फिर भी 10 दिन में होगा, नहीं, मैथ के हिसाब से तो नहीं होगा, अब वो अलग बात है कि वो बातें करते रहे दिन रात तो 10 दिन में भी नहीं खत्म होगा, ठीक है, लेकिन अगर दो व्यक्ति उस काम को 10 दिन में कर ले रहे हैं तो उसी एवरेज से काम करने में अगर 5 व्यक्ति को लगा दिया जाए तो काम जल्दी खत्म हो जाएगा, दैट मीन्स कि अगर आदमियों की संख्या बढ़ा दी जा रही है तो समय घट जा रहा है, कम लग रहा है, जब अगर आदमी मान लो आदमी को ए लिखें तो आदमी की संख्या बढ़ा देंगे तो समय कम लगेगा, तो हम लोग इसको मैथ की भाषा में उल्टा करने का इस तरीके से लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं कि ए जो है वो टी का उल्टा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं तो उल्टा हम क्यों समझाएं, जरा देखो इसका लॉजिक क्या है समझाने का, ये देखिए यहाँ पे आपने देखा होगा, आपको याद करवाया जाता है कि साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉसेक थीटा, सॉरी कॉसेक थीटा, ये याद करवाया जाता है, सुनो सुनो सुनो, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, याद करवाया जाता है, ध्यान सुनो, अरे आपको ये नहीं याद करना है, सुनो ना अभी हम आपको दिखा रहे हैं, ये अभी हम काट देंगे, ठीक है, हाँ ये नहीं याद करना आपको, याद करना क्या है आप देखिए, पहले ये सब चीजें कुछ याद करने वाली हैं, tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा, cot, ठीक है, इस तरीके से आपका हो जाता है cosec थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा, और जो है यहाँ पे गड़बड़, ओ भाई यहाँ साइन लिख दिया ना, ये गड़बड़ है, cos इक्वल टू 1 अपॉन sec, ठीक है, यहाँ पे सुधारना,
sec theta is equal to 1 upon cos theta, और cot theta is equal to 1 upon tan theta. ये होता है कि नहीं होता है बताओ, ये होता है ना? अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते तो होता है ना, होता है, लेकिन आप याद करेंगे? ऐसे तो ट्रिग्नोमेट्री में इतने फॉर्मूला है कि आप याद करती रह जाएंगे. आपको याद नहीं करना है. कितने के चेहरे पे स्माइल आया कि याद नहीं करना है. वाह क्या बात है, मतलब याद नहीं करना है, बच गए. इसी से तो डर लगता है, इतना फॉर्मूला है, इतना फॉर्मूला है, याद करने में ये आधा दिमाग खराब है, तुम पढ़ेंगे क्या? यही ना होता है. सुनो, याद नहीं करना है, ऐसे ही पढ़ना है. कैसे पढ़ना है? पहले देखो, ध्यान से देखना एकदम. देखो, याद नहीं करना है तो याद क्या करना है? आपको सिर्फ याद इतना रखना है ऐसे कि आप याद इतना रखना कि साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा. ये तो याद रहेगा ना कि साइन का उल्टा कोसेक होता है. इस प्रकार से कोसेक का उल्टा साइन, तीर दोनों साइड का रहेगा कि इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये. इसी प्रकार से टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा. उल्टा होता है तो कॉट का उल्टा टेन है ना. इसी प्रकार से कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा. ये सब आपस में उल्टे होते हैं. कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस. अब सोचो, बिना याद किए इस फॉर्मूले से कितना क्वेश्चन बन, कितना फॉर्मूला बना सकते हैं, आपको भी नहीं पता है, अंदाजा है उसका. जरा देखिए कैसे, हम क्या बताएं, हम इसीलिए इसके बाद साइन कॉस का नहीं बताए. जरा समझिए, इस बार केवल आपको इतना याद रखना, कुछ नहीं याद रखना. जब हमला आएगा अप्लाई कर लेना. कैसे? जैसे देखिए, इसी से हम बनाते हैं सारा हमला, इसी से. मैंने क्या बोला, पहले इसी को बना देते हैं उसी हिसाब से. देखिए, मैंने बोला ना कि साइन का उल्टा कॉस है. अगर हमें साइन पता तो हम कॉस निकाल लेंगे. कैसे सर? आप ही तो अभी बताए हैं कि उसका उल्टा क्या, कॉस थीटा. साइन का उल्टा कॉसेक, तो आप क्या बताए हैं कि साइन का उल्टा कॉसेक, मतलब साइन लंब बटे कर्ण है तो उल्टा कर्ण बटे लंब. क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब. बोलो, याद करना पड़ेगा क्या? देखो, जैसे अभी हमने कॉस पता है आपको, कॉस का उल्टा सेक अभी होता है, कॉस का उल्टा सेक. तो आप तो याद नहीं रखो कि कॉसेक बराबर कर्ण बटे लंब. याद करना है यार, बस सिंपल याद रखो कि ये उसका उल्टा होता है. तुरंत उलट दो, जैसा क्वेश्चन है अप्लाई कर दो. कैसे? सेक कॉस का उल्टा तो आधार बटे कर्ण कॉस है, तो ये जगह कर्ण बटे आधार. सुनो ध्यान से, कर्ण बटे आधार, ठीक है. इसी प्रकार से टैन आपको पता है, और टैन का उल्टा कॉट होता है. अभी लिखवाए हैं टैन का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट क्या है? ये आधार बटे लंब है, लंब बटे आधार है, तो ये आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार बटे लंब. ठीक है, समझ आया कि नहीं यार? बताओ, रटना पड़ा क्या? रटना पड़ा. ये कहाँ निकल गया? यहाँ से. रटना नहीं पड़ा, इससे ये निकाल लिए, और इससे ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिए, तो इससे ये निकाल लिए. रटना पड़ा क्या? नहीं ना. अभी ये भी सुनो, अभी काम नहीं खत्म हुआ है, इससे अभी और कुछ निकलेगा. देखो जरा कैसे, अभी हमने बताया इतना क्वेश्चन लोग फॉर्मूला रटते हैं. रटना नहीं है, पहली बात ध्यान से सुनिए. अब देखिए, फॉर्मूला ऐसे रो रखता है, आपको रखना नहीं है, आप कैसे करेंगे? अभी हमने बताया साइन का उल्टा कॉसेक, तो हमने बताया कि साइन का उल्टा, उल्टा मैथ में कैसे लिखते हैं? तो साइन थीटा इक्वल टू उल्टा कॉसेक होता है, तो उल्टा का मतलब वन अपॉन कॉसेक थीटा, सिंपल. अभी हम तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉसेक साइन का उल्टा है, तो कॉसेक थीटा, तो कॉसेक का उल्टा साइन भी होता है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं वन अपॉन साइन थीटा. बताओ, ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रहेगा तो रटना पड़ेगा. नहीं ना, आसान हुआ ना, मजा आया ना? अगर वाकई आपको इस क्लास में मजा आ गया तो आप अब वीडियो को लाइक कर सकते हैं, है ना, अन्यथा आप डिसलाइक करिए और चले जाइए. देखिए यहाँ पे, तो यहाँ अब इसी प्रकार से आप किसी का भी ले लें, जैसे कॉस है, कॉस का उल्टा सर आप ही बताएं किससे होता है, तो हाँ बिल्कुल होता है. तो सर इसका मतलब ये लिख दे क्या कि कॉस थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन सेक थीटा. सर सही होगा? बिल्कुल सही होगा, एकदम सही होगा. इसका मतलब सर अगर ये लिख सकते हैं तो हम ये भी लिख सकते हैं कि सेक थीटा इक्वल टू वन अपॉन कॉस थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं. इसी प्रकार से आप टैन का भी लिख सकते हैं. कैसे? टैन थीटा इक्वल टू वन अपॉन कॉट थीटा,
तो कॉट का भी उल्टा लिख सकते हैं, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan θ। एक बात बताओ, आपको इतने सारे फॉर्मूला हमने लिखवा दिया, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 ना, 12 फॉर्मूला हमने लिखवा दिया, बताइए कहाँ पे रटना है आपको? आपको कहीं रटना पड़ा है? जब फॉर्मूला में नहीं रटना पड़ा तो क्या आपको लगता है कि क्वेश्चन में रटना पड़ेगा? कतई ही नहीं। अगर फॉर्मूला नहीं रटना पड़ा तो क्वेश्चन में तो कभी नहीं रटना है। और यही नहीं, अभी जितने भी फॉर्मूले इसके बताए जाएंगे ना, यू सब फॉर्मूला आपको आएगा। देखिएगा पहले कैसे, जो कमजोर कमजोर बच्चा हिम्मत छोड़ चुका रहता है ना कि हमसे नहीं हो पाएगा, मैं उससे होगा मैथ, वो बच्चा मैथ को करेगा यहाँ पे। ठीक है, जरा ध्यान दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से करना है। तो अगर इससे ज्यादा अभी आज बता देंगे तो आप भी सोचेंगे क्या बताओ, अच्छा कुछ भी रटना नहीं पड़ा है ना। एक काम करना, आप इसको आप दो बार अपने कॉपी में बनाना, आंख बंद करके देखो, रट के नहीं, सिंपल ये ट्रायंगल बनाना है आपको, नाम दे देना है, और जहां यस मतलब साइन, साइन किससे सटा है, लंब कट, लंब बटेगा, कॉस किससे सटा है, कर्ण बटे आधार, टैन किससे सटा है, आधार कर्ण, सिंपल ये बन गया। जैसे ही ये बन गया, ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रहेगा, उलट दीजिए, ये बन गया, और जैसे ही ये बन गया, और इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, ऐसे बना सकते, रटना पड़ा नहीं ना। अगर वाकई आपको लगा कि नहीं बिना रटे भी मैथ किया जा सकता है, और सेशन अच्छा लगा, क्लास अच्छा लगा, तो आप इसको लाइक करें। नेक्स्ट डे आपको इसी पे कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे, और फिर आप देखिएगा क्या वाकई मैथ कठिन है या सच में आसान है। ठीक है, और हम लोग कल नेक्स्ट डे क्वेश्चन करेंगे, अभी और भी सारे इसके फॉर्म हैं, वो सबको भी हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए हमें यहाँ से हम विदाई लेते हैं और क्लास को एंड करते हैं। तब तक आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखिए। बोर्ड का एग्जाम बहुत नज़दीक आ गया है, और आप अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए, क्लास रेगुलर कीजिए, और आराम से आप अपने नंबर को गेन कीजिए। सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को बताइए कि हाँ यहाँ पे भी कुछ ऐसी क्वालिटी दिया जाता है कि बिना रटे भी मैथ को किया जा सकता है। तो आप अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं जो मैथ से टूट चुके हैं कि नहीं हमसे मैथ नहीं हो सकता, उनको भी आप बताएं कि नहीं एक और भी नई दुनिया है मैथ की, जहाँ पे हम लोग उम्मीदों को छोड़ चुके हैं, वो भी जागृत हो सकता है। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।